बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर खूब सुर्खियों में बनी है। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 6 दिनों में फिल्म ने 67.12 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म को मिल रही सफलता के बीच टीम ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां आलिया, रणवीर सिंह, धर्मेंद्र और करण जौहर जैसे सितारों ने शिरकत की। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब आलिया बाहर निकलने लगी, तभी पैपराजी ने आलिया से बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में पूजा भट्ट के जीत को लेकर सवाल किया, जिस पर आलिया भट्ट ने जवाब देते हुए कहा, वो वहाँ है, वही मेरे लिए जीत है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आलिया अपनी कार की तरफ रवाना हो रही है। उसी दौरान पूजा भट्ट को लेकर वो रिएक्ट करती है। आलिया काफी खूबसूरत लग रही है। कॉन्फ्रेंस में वो सुंदर सी साड़ी में पहुंची हुई है, जिसमें वो काफी जच रही है। भाई आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले आलिया भट्ट ने बिग बॉस ओटीटी 2 पर रिएक्ट करते हुए अपने 3 पसंदीदा कंटेस्टेंट का खुलासा किया था। यूट्यूबर एल्विश यादव आलिया के फेवरेट कंटेस्टेंट में शामिल है। वही एल्विश का सेंस ऑफ ह्यूमर आलिया को काफी पसंद है। वही आलिया को मनीषा का अनोखा अंदाज भी अच्छा लगता है और वो आलिया की फेवरेट कंटेस्टेंट है। इन दोनों के अलावा तीसरा नाम बहन पूजा भट्ट का है, जो आलिया के लिए काफी खास है। बहरहाल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की बात करें तो ये एक रोम कॉम फैमिली ड्रामा है, जिसे करण जौहर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। उसके अलावा इसका एक गाना वॉट झुमका भी लोगों के दिलों को छू रहा है। ये गाना सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा बन गया है।